व्लॉग है ये वाला, छोटे 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 टुकड़ों में बन रहा है, टोहाना से लेके यहाँ गाजियाबाद तक का। सो यस माय ब्यूटीफुल पीपल, ये व्लॉग स्टार्ट होता है टोहाना से, और अभी हम मतलब कि मैं, मम्मा और मोहित, हम तीनों जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि हमें करवा चौथ की तैयारी करनी थी और सिर्फ 2 ही दिन मिला था। तो इसलिए सबसे पहले हम गए सूट के शॉप पे, क्योंकि हमें सूट ख़रीदना था। साड़ी हमारे पास ऑलरेडी थी, मतलब जो मुझे पहननी थी। तो सबसे पहले हम इस वाले शॉप पर गए, और उसके बाद ये मेरे हस्बैंड को देख लो आप, मुझे वो चढ़ा रहा था अपनी। एंड यस, उसके बाद हम गए, और यहाँ पे भी करवा चौथ की तैयारी ही चल रही थी, सब लोग शॉपिंग कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मैं और मम्मा, और ये पीछे रहा मेरा पति देव, जो कि फ़ोन में बिज़ी है बिकॉज़ उसको ऑफिस से फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि वो घर पे भी आके ऑफिस का ही काम कर रहा था। एंड यस, यहाँ पे हम सूट देख रहे थे, बट इस बार का कलेक्शन मुझे यहाँ का अच्छा ही नहीं लग रहा था। मतलब मैं पहले भी यहाँ सूट लिए हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, बट इस बार बहुत ज़्यादा महंगे थे, लाइक 4,000-5,000, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके लायक ही नहीं लग रहा था। कि 5,000 एटलीस्ट लगना तो चाहिए कि 5,000 का, और प्राइसेस इतने ज़्यादा महंगे हो गए थे, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ करवा चौथ और समथिंग, बट प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, और मतलब मुझे यहाँ पे कलेक्शन भी इतना अच्छा नहीं लगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कहीं और चलते। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ कुछ सामान जो थी वो लेनी थी, तो हम ये नॉर्मल शॉप पर ही आ गए। एंड यहाँ से हमने हमें फेशियल किट लेना था, क्योंकि करवा चौथ के लिए फेशियल भी कराना था। तो मम्मा ने और मैंने फेशियल किट लिया, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे सिरम वगैरह लेने थे, नेल पेंट्स एंड ऑल। तो यस, वो सारी चीज़ें जो थी लेनी थी, तो हमने सबसे पहले यहाँ से ये सारी चीज़ें ली। एंड उसके बाद हम यहाँ से टाटा बाय बाय करके निकले, क्योंकि हमें अपने घर के लिए पर्दे वर्दे भी शॉपिंग करनी थी, हमें पर्दे भी लेने थे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था इधर साइड पे, गाजियाबाद साइड पे, हमें इतना पसंद नहीं आया था, तो हम यहाँ पे गए थे जहाँ से मम्मा लेते थे, और यहाँ पे हमने देखा, बट हमें उतना अच्छा लगा नहीं, मुझे और मोहित को दोनों को ही नहीं अच्छा लगा। तो फिर हम उसके बाद हमने उसको ड्रॉप कर दिया, फिर हम दूसरी जगह पे गए थे, दूसरे शॉप पे, ये मम्मा की ही फ्रेंड है, उनका शॉप है, तो वहाँ पे गए। एंड वहाँ पे हमने सूट देखा, और यहाँ पे जो कलेक्शन था, लाइक द प्राइस एंड द कलेक्शन वाज रियली नाइस, यू कैन सी। मैंने ये जो फर्स्ट सूट था जो मैंने ट्राई करा, मतलब आंटी लगा लगा के दिखा रहे थे, और वहाँ पे जो थे सब हेल्प कर रहे थे। सो यस, ये था फर्स्ट, एंड जो हमने साइड कराया था, हम लोगों को जो अच्छा लगा था। एंड ये था सेकेंड वाला सूट, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बट जो मैंने लिया है वो भी कुछ ज़्यादा ही है, बट स्टिल यू नो, मतलब, और रेड कलर में, बस ना रेड रेड में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हमने इसको ड्रॉप कर दिया था। एंड उसके बाद ये तीसरा था जो हमने, मतलब ट्राई करा था, जो हम सबको अच्छा लगा था। सो यस, ये तीन मैंने ट्राई करा था। अब लेट्स सी, आपको व्लॉग में पता चलेगा, नेक्स्ट करवा चौथ जो व्लॉग आने वाला है मेरा, उसमें पता चलेगा कि मैंने कौन सा सूट लिया था एंड वो कैसा लग रहा है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये हमने ट्राई किया, और इसके बाद मेरा तो हो गया था। उसके बाद थी मम्मा की बारी, मैंने कहा मम्मा को कि आप भी ले लो, जब आए हो तो मेरे साथ ही ले लो करवा चौथ का। तो फिर मम्मा ने कहा चलो ठीक है, तो फिर मम्मा को भी ट्राई करा रहे थे, हमने दो सूट साइड कर रहे थे, और वही मम्मा भी ट्राई कर रहे थे। एक ये था ग्रीन बनारसी का, और एक और जो इसके बाद आने वाला है वो भी आप देखना, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आप बताओ वो कौन सा अच्छा लग रहा है, आप बताओ। सो यस, आई एम एक्साइटेड, क्योंकि हमने जो अपनी शॉपिंग थी वो जो कर ली थी, और वो सारी चीज़ें जो थी हमने ले ली थी। एंड हेज मोहित एंड हेज मम्मा। उसके बाद फिर हमने सोचा मेरे को नेल एक्सटेंशन कराने थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जाके पूछ लेते, तो मम्मा ने कहा चलो एक सलोन है वहाँ पे जाके पूछते हैं। और भाई साहब, जब मम्मा वहाँ पूछने गए, इतना महंगा, यहाँ के प्राइसेस इतने महंगे थे नेल एक्सटेंशन के, मैंने कहा या तो इतना ज़्यादा डबल है, हम वहाँ ही करा लेंगे, मतलब मैं नोएडा में ही करा लूँगी। उसके बाद फिर एक और पर्दे वाला था, जहाँ से ताई जी और मम्मा लोग शॉपिंग करते हैं, होलसेल की मार्केट है वहाँ टोहाना में ही, ये पूरा सब कुछ मिलता है यहाँ पे फैब्रिक का।
तो हमने कहा चलो वहाँ पे एक बार जाके देखते हैं। और यहाँ पे तो भाई इतने अच्छे अच्छे पर्दे थे, इतने अच्छे पर्दे थे, मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। कौन सा अच्छा लग रहा है मोहित आपको? हाँ प्लेन में अच्छा लग रहा है। प्लेन में हम इसके साथ भी मिक्स कर सकते हैं, ये वाला ऐसा प्लेन जो वर्क है उसमें। एक वाला ग्रे, और एक ये वाला ग्रे, ये भी देख ले अब बता रेट सही। साइज करेगा आपका? साइज साइज एक वैसे तो तीन का, तीन रूम मतलब छह रूम का तो 8 फीट है, और बाहर का, बाहर का है 11 फीट। 11 का तो एक्स्ट्रा पड़ेगा, 8 का रेट लगा देंगे। 8 का क्या रेट? 900 बस। 900 का बार्गेनिंग कर ली। पहले तो हम छोड़ छोड़ के जा रहे थे, छोड़ो रहने दो हम कहीं और देखेंगे, बट मम्मा ने कहा, मम्मा ने इतनी बार्गेनिंग करी कि वो भैया मान गए। एंड फाइनली हमारा पर्दा जो था वो रेडी हो रहा था, तो हमने बनने के लिए देख के आ गए। अभी तक हमें मिला नहीं है जब मैं ये वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर रात हो गई थी, फिर मैं शूट करना भूल गई थी, फिर हम पहुँचते हैं मिली थी घर, और ये सुने नक्श की बातें। अच्छा एंड यस, हम विनीति के घर इसलिए आए थे क्योंकि हमको फेशियल करानी थी, और मैंने सुना है कि विनीति बहुत अच्छा फेशियल कर दिए, मम्मा ने बताया था। तो हमने कहा, मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, और इसलिए हम वो शॉप पे गए थे ये फेशियल किट लाने के लिए। तो यस, मैंने लोटस का कराया, और लिटरली मैं जब ये फेशियल कराना स्टार्ट करा था, और उसके बाद जब बीच में करा रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, लाइक मतलब मज़ा ही आ गया। इतना अच्छा फेशियल किया विनीति ने, मज़ा आ गया लिटरली, मतलब इट वॉज रियली नाइस। एंड यस, ऑलमोस्ट मतलब मेरी एक दो चीज़ें तो हो ही गई थी यहाँ से, लाइक साड़ी और ऑल का सब कुछ हो गया था, फिर फेशियल भी यहाँ से हो गई थी, और जाते जाते भी लेट हो गया था। उसके बाद बस यही था टोहाना का लास्ट, उसके बाद आप मेरा गाजियाबाद वाला देखो। Days later. So guys, finally I am, it's a day two, और ये लास्ट मैंने टोहाना वीडियो शूट किया था, और अभी मैं शूट कर रही हूँ अपने सोसाइटी में। एंड अभी मैं जा रही हूँ पार्लर में क्योंकि मुझे थ्रेडिंग और वैक्सिंग करानी है। सो यस, बिकॉज ऑफ करवा चौथ, यू ऑल नो। सो यस, अभी मैं जा रही हूँ, एंड आई नो आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी अभी। बिकॉज सलोन जो है वो सोसाइटी के अंदर ही है, फ्लैट में ही, एंड फर्स्ट फ्लोर पर हम सीढ़ियाँ लेंगे। नहीं आई होगी, बट अब क्लियर आवाज़ आई होगी, आ रही होगी आई मीन, और लाइट भी क्लियर है। सो ये सभी मैं अपना काम ख़त्म करके आई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ, अभी बताया मैंने भाई, लेट्स सी, लेट्स गो, एंड उसका देखते हैं क्या क्या कराना है अब। सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट कि कहाँ पे है वो सैलून, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, आई हैव नो आइडिया। Let's see. Oh, I got it. We are yeah, society ke bahar hi. I mean, flat bahar nahi hai, aise and salon hai. So it's looking so nice. Yeah. Chalo andar chalte hain. So मैं गई थी सलोन के अंदर, और मैं फर्स्ट टाइम देखा ऐसे फ्लैट के अंदर, तो और बहुत अच्छा बनाया हुआ था, लाइक मतलब कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये घर है, और मतलब उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ था। एंड यहाँ मैं आई थी, मुझे थ्रेडिंग और वैक्सिंग करानी थी, मेरी थ्रेडिंग हो गई थी, एंड वैक्सिंग आई जस्ट हेट वैक्सिंग, बट कभी कभी जब टाइम नहीं होना तो मजबूरी में कराना पड़ता है, तो मैंने बस हाथ का कराया था। एंड यस, बहुत पेनफुल था ये। सो गाइस, माय वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग इज़ डन, और अब थोड़ी सी अच्छे लग रहे हैं, एंड अब मैं कल जाऊँगी बिकॉज अब मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सो आई गेस अब मैं कल जाऊंगी मेरे नेल एक्सटेंशंस के लिए। या मैं अभी मैंने अपॉइंटमेंट लिया नहीं है, मुझे अपॉइंटमेंट लेना है,
सो यस मैं अपॉइंटमेंट लूँगी एंड उसके बाद मैं जाऊँगी नेल एक्सटेंशंस कराने अपने। एंड अब मैं जा रही हूँ मैं अपने घर, फाइनली मैं जा कर खाना खाऊँगी बिकॉज आई एम सो मच हंग्री राइट नाउ। सो यस मिलती मैं आपसे कल, बाय बाय फॉर टुडे, मच 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 लेटर माय पीपल। सो यस बैक टू दिस व्लॉग एंड आज मैं जा रही हूँ अपना साड़ी देने के लिए, साड़ी रेडी करवाने के लिए बिकॉज मुझे फॉल पिक एंड ऑल के लिए देना है। एंड यस अभी मैं उसके लिए जा रही हूँ और दूसरी चीज़ मुझे चूड़ियाँ भी लेनी है और मैंने अभी तक साड़ी मतलब साड़ी का कुछ भी नहीं करा है। ब्लाउज़ भी मैं टोहाना में दे के आई हूँ स्टिच करने के लिए एंड उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। एंड अभी आई गेस 2 से 3 दिन बचे हैं एंड नो तैयारी एट ऑल बट हम करेंगे। सो यस अभी मैं जा रही हूँ, सबसे पहले चूड़ियाँ लूँगी बिकॉज मुझे साड़ी दिखा के लेना पड़ेगा कलर एंड ऑल के लिए और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपनी साड़ी देने के लिए जिसके लिए सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल दी है कि मुझे कहाँ कहाँ पे देना है और क्या करना है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें फ्लैट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ तो बहुत सारे शॉप्स हैं जो कि हमें अभी पता भी नहीं है एंड पता लगाने पड़ रहे हैं। सो यस मैंने पता लगाया है एंड आपको अभी साड़ी नहीं दिखाऊंगी मैं बट मे भी दिखा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं दिखाऊंगी बट यस मैं चूड़ियाँ तो लेने जाऊंगी अभी। सो चलते हैं अभी पहले चूड़ी लेने एंड उसके बाद लेट्स सी क्या करते हैं एंड कैसे करते हैं। सो यस ये व्लॉग जो है ना वो पूरा छोटे 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 पार्ट्स में टुकड़ों में बन रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको अच्छा लगे। सो यस अभी बहुत बातें हो गई, अब मैं चलती हूँ और जाती हूँ एक बार देखती हूँ कि क्या क्या मिल रहा है वहाँ पे क्योंकि मैं उस शॉप में अभी तक गई नहीं हूँ। सो यस लेट्स सी। सो यस अब मैं हूँ लिफ्ट में और मैं जा रही हूँ नीचे ऑफिस और पता चला है कि टावर ए में है जो शॉप है। मुझे नीचे कुछ लेडीज़ मिल गई थी तो मैंने उनसे पूछ लिया और उन्होंने बताया कि टावर ए में कोई शॉप है तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। स्टेडियम गाइस बैड लक मैं यहाँ पे आई और शॉप बंद है बिकॉज यहाँ पे लिखा है शॉप क्लोज फॉर टुडे। सो अब मैं नो आइडिया कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ बट लेट्स सी बगल में एक और है जो कि अभी पता चला है मुझे। सो लेट्स सी मैं वहाँ पे जाती हूँ और देखती हूँ अगर वहाँ पे मिल जाए मुझे तो आई होप कि मिल जाए मुझे। ठीक है चलो देखते हैं वहाँ पे मिलता है कि नहीं, आई अपडेट यू। ओके One eternity later. So yes guys, अभी मैं जा रही हूँ अपने नेल एक्सटेंशन कराने जिसका मैंने अपॉइंटमेंट अभी का लिया है शाम का एंड यस आई एम गोइंग राइट नाउ एंड दिस यू कैन सी माई नेल्स इज लुकिंग राइट नाउ एंड आई नो आपको कास्ट ज़्यादा शोर आ रही होगी बट यस सो यस दिस माई नेल्स और आफ्टर मैं दिखाती हूँ आपको। बाय द वे मैंने यहाँ से बाइक बुक करा है अपने लिए रैपिडो और उससे मैं जा रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि कहाँ से एंट्री है इधर की। सो लेट मी सी द एंट्री पॉइंट राइट नाउ और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ओके फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फ्लोर। सो अभी मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर पे। या हियर इज द एंट्री। ओके सो आई एम पता नहीं पारी नीचे लग रहा है। सो आई एम गोइंग फर्स्ट फ्लोर और बाहर से देखना तो अजीब सा ही लग रहा था बट आई एम कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लेट मी सी कैसा है एंड आई गिव यू रिव्यू ऑफ हेयर जो भी गाजियाबाद में रहते हैं ना सो उन सब के लिए ये रिव्यू वीडियो भी हो जाएगा। यस आई गेस आई हैव रीच्ड सो यस लेट्स गो। सो इट इज़ द सैलून लुकिंग और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट से आई हूँ। सो यस आई गेस सारे लोग चले गए हैं। सो द नेल एक्सटेंशन स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट आता है और क्या है। सो यस गाइस मेरे नेल एक्सटेंशन स्टार्ट हो गए थे नेल कटिंग से।
उसके बाद मैंने इस बार शेप जो था वो राउंड रखवाया था, बिकॉज मैं थक चुकी थी स्क्वायर करा करा के और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ट्राई करके। और मैंने जो इस बार शेड लिया था वो डार्क चूज़ किया था, और मैंने नॉर्मल नेल पेंट कराया था, कोई ग्लिटर कुछ नहीं ऐड ऑन कराया था। मुझे प्लेन नेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ये कलर इतना अच्छा लग रहा था, यू कैन सी द कलर, आई एम रियली लाइकिंग द कलर, और मुझे बड़ा ही मज़ा आ गया है यहाँ पे आके, और आई जस्ट लव लेंथ करती हूँ। और माय नेल्स इज डन एंड यू कैन सी दिस, आई एम रियली लाइकिंग दिस कलर, मे बी दिस लाइट इज नॉट जस्टिफाइंग दिस, बट आई लाइक दिस कलर एंड या आई एम एक्साइटेड एंड नाउ आई एम गोइंग होम, सो मीट यू आफ्टर आई डोंट नो when and now I am waiting for my husband to come because काफ़ी ज़्यादा late हो गया है and let's see कि कब तक आता है मोहित, और उसके बाद मैं उसके साथ ही घर जाऊँगी and अब जो भी होगा कल देखते हैं क्या बचा है। वैसे तो अब कुछ बचा है नहीं, बस मुझे चूड़ियाँ हैं जो लेनी हैं और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं बचा, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी हो गई हैं, सो आई एम एक्साइटेड और दिस करवा चौथ, और मेरी तबीयत भी आज थोड़ी ठीक नहीं थी, बट नेवर माइंड, देखते हैं, लेट्स सी, ओके बाय।